गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आर के स्टडीज चैनल में। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन एग्जांपल ऑफ स्ट्रेसन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो इसका हम एग्जांपल लेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने स्ट्रेसन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो कंसेप्ट था, जो फॉर्मूलेज थे, वो कैसे ड्राइव हुए, कैसे आए, उसके बारे में डिस्कशन किया था। तो आज हम एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपका यहाँ से सीधा न्यूमेरिकल आता है, ठीक है ना, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान से करिएगा। तो इसमें हम लेके चलते हैं, सपोज़ करिए ये दो मैट्रिक्स मुझे गिवेन है एंड फाइंड आउट इट्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। सीधा ऐसे ही क्वेश्चन आता है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमें A11, A22, B11, B22, A21 इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो A11 है वो आपका 1 है, और आपका A12 8, ठीक है ना, A21 3 एंड A22 5। सिमिलरली हम यहाँ पे B11 7, B12 4, B21 6 एंड B22 2, ठीक है ना। ये वैल्यूज हमने निकाल ली। अब हम क्या करें, डायरेक्ट यहाँ पर पुट करेंगे। तो P में हम पुट कर लेते हैं, जो P की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी, P की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी पी इजक्ल टू A11 प्लस A22, A11 प्लस A22 5 मल्टीप्लाइड विद B11 प्लस B22, B11 7 प्लस B22 2, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाइड बाई 9, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपको 54, राइट। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा क्यू, क्यू हम निकालेंगे A21 प्लस A22, A21 मतलब 3 प्लस A22 मीन्स 5 एंड मल्टीप्लाइड विद B11 डेट इज 7। तो ये आ जाएगा आपका 8 इंटू 7 डेट इज 56। नेक्स्ट हम R की वैल्यू निकालेंगे, R आ जाएगा आपका B12 डेट इज 4 माइनस B22 2 मल्टीप्लाइड विद A11 1, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 डेट इज 2। नेक्स्ट इज S, S की वैल्यू हम निकालेंगे, S हम निकालेंगे, S दिया हुआ है आपका B21 माइनस B11, B21 मतलब 6 माइनस B11 7 मल्टीप्लाइड विद A22, A22 मीन्स 5। तो ये आ जाएगा आपका माइनस 1 इंटू 5 डेट इज माइनस 5। नेक्स्ट इज टी, टी निकालेंगे A11 प्लस A12, A11 प्लस A12 डेट इज 8 मल्टीप्लाइड विद B22 डेट इज 2, 9 इंटू 2 18। नेक्स्ट है यू, यू हम निकालेंगे A21 माइनस A11, A21 माइनस A11 मल्टीप्लाइड विद B11 प्लस B12, B11 प्लस B12, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 15 डेट इज 30। नेक्स्ट इज वी, वी हम निकालेंगे, वी कैसे निकालेंगे, वी का फॉर्मूला A12 माइनस A22, A12 माइनस A22 5, नेक्स्ट ब्रैकेट में B21 प्लस B22, B21 प्लस B22 इट इज 3 इंटू 8, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका 24, राइट। तो दीज आर द वैल्यूज फॉर पी क्यू आर एस टी यू एंड वी, एंड नाउ वी विल फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ C11, C12, C21 एंड C22। सो वी विल पुट द डायरेक्ट वैल्यूज, इट इज C11
इक्वल टू पी प्लस एस, पी प्लस एस माइनस टी प्लस वी। तो ये आ जाएगा आपका पी 54 प्लस एस माइनस 5 माइनस टी 18 प्लस वी 24। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 54 माइनस 5, तो ये आ जाएगा आपका 49 माइनस 18 प्लस 24, तो ये आ जाएगा आपका 13 प्लस 24, 55 आ गया C11। इसी तरीके से C12 की वैल्यू निकाल लेंगे हम। C12 का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, C12 इक्वल टू आर प्लस टी, आर प्लस टी, आर इज 2 प्लस टी, टी इज 18 दैट इज 20। नेक्स्ट आ जाएगा आपका C21। C21 का फॉर्मूला होता है क्यू प्लस एस, क्यू की वैल्यू है आपकी 56 प्लस एस इज माइनस 5 दैट इज 51। नेक्स्ट आ जाएगा आपका C22। C22 इज पी प्लस आर माइनस क्यू प्लस यू, पी आ जाएगा आपका 54 प्लस आर 2 माइनस क्यू 56 प्लस यू 30। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 54 प्लस 2 56 माइनस 56 प्लस 30, तो ये आ जाएगा आपका प्लस 30। सो वी विल गेट द मैट्रिक्स ऑफ C11, C12। तो C11 आ जाएगा आपका 55, C12 इज 20, C21 51 एंड C22 30। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है आपका ये, ठीक है ना। बट ये आप तभी कर पाओगे जब आपको ये सारे फॉर्मूलाज लर्न होंगे, ठीक है ना, ये वाले फॉर्मूले प्लस ये वाले फॉर्मूले, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, आप इसको लर्न कर लीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।